नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आम में जो मंजर आपका टिकोला झड़ जाता है और मंजर नहीं झड़ेगा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि आपका सबसे पहले तो मंजर नहीं झड़ेगा, मंजर किस कारण से झड़ता है उसका उपाय हम बताने वाले हैं। प्लस में इसमें कौन सा इंसेक्ट कीट लगता है, कौन सा फंजीसाइड लगता है, कौन सा आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर डालना पड़ता है, उसका सारी जानकारी आपको वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी, स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहला स्प्रे जो आपको करना है वो करना है इंसेक्टिसाइड का। इंसेक्टिसाइड का स्प्रे इसलिए करना है क्योंकि इंसेक्ट क्या करता है, हमारे जो भी मंजर है उसका रस जो है चूस जाता है। उस रस के चूसने की वजह से होता क्या है कि हमारा मंजर झड़ने लगता है। तो आप लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट स्प्रे जब आप करेंगे तो फर्स्ट स्प्रे आपको इंसेक्टिसाइड का करेंगे। आप इंसेक्टिसाइड के रूप में या तो इमिडा क्लोरोप्रीड और नहीं तो आप डाई मिथोएट 30 EC इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा स्प्रे वाले हैं कि इसमें होता है क्या, मधुआ कीट लग जाता है। तो मधुआ कीट मेनली होता है कि जैसे आप देख रहे हैं कि पत्ता में ये मधुआ कीट ऐसे इस प्रकार से लग जाता है और पत्ता पूरा इसमें मधुआ कीट जो है इस पे लग के इसका जो है मंजर पे रस चूसने लगता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि मधुआ कीट नहीं लगे इस कारण आपको जो बताएंगे केमिकल दवा उसका आप इस्तेमाल अगर करते हैं तो इसमें मधुआ कीट बिल्कुल नहीं लगेगा। उसके लिए आपको इस्तेमाल करना है कार्बेंडाजिम या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कार्बेंडाजिम या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का अगर मिक्सचर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसमें मधुआ कीट से जो है बिल्कुल आपको सुरक्षित हो जाएगा। तो इसीलिए आप इसमें क्या करेंगे, सेकेंड डोज में फर्स्ट तो हो गया आपका इमिडा क्लोरोपीड, दूसरा डोज में आप क्या करेंगे फंजीसाइड एक और एक इमिडा क्लोरोपीड दोनों को मिला के आपको स्प्रे करना है। आपको क्या करना है तीसरा स्प्रे में करना है कि इसका जो छोटा छोटा सा टिकोला जो होता है, ये छोटा सा आप देख रहे हैं इसमें कि ये टिकोला है, ये आपका झड़ जाता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो इसके लिए आपका है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो होता है आपका ये टिकोला गिरने से बचाता है। तो इसके लिए आप अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड या NAA होता है, नेफ्थाइल एसिटिक एसिड, इस दोनों में से कोई एक का प्रयोग करके अपने मंजर को अच्छा खासा आप बचा सकते हैं। यह तीन स्प्रे करते हैं, पहला इंसेक्टिसाइड, दूसरा फंजीसाइड और तीसरा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो आपका जो है मंजर भी नहीं झड़ेगा, टिकोला नहीं झड़ेगा और आपका उत्पादन जो है काफी अच्छा होगा। तो आप लोगों से आशा करते हैं कि इसका जरूर से जरूर अपने फील्ड में छिड़काव करें। थैंक यू, नमस्कार।